सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और दोस्तों आज 18 सितंबर और राजस्थान करंट अफेयर की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज की इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके आगामी जो इतने भी राजस्थान में एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो दोस्तों करते हैं आज की इस क्लास की शुरुआत। पहला क्वेश्चन देखिएगा, उससे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कल का सवाल जो मैंने आपसे पूछा था, उसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में किसी साथी ने नहीं बताया, लेकिन आज मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन मैंने पूछा था, राज्य का पहला अच आकार का ओवरब्रिज कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो दोस्तों जल्दी से छाप लीजिएगा राइट आंसर, जोधपुर में। यानी राज्य का पहला है अच आकार का ओवरब्रिज, ठीक है। तो ये कहाँ पर बन रहा है? जोधपुर में बनकर तैयार हो चुका है, तो याद रखिएगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने जिलों में बालिका छात्रावास निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की है? तो दोस्तों ये तीन जिलों में, तीन जिले कौन कौन से हैं? तो पहला जिला है बूंदी, दूसरा करौली, तीसरा कोटा। इन तीन जिलों में हाल ही में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा बालिका छात्रावास निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। और दोस्तों टोटल कितने करोड़ रुपये वित्तीय सहायता दी जाएगी? तो 2.50 करोड़ रुपए। और बात कर लेते हैं बूंदी, करौली, कोटा में कहाँ कहाँ ये बालिका छात्रावास है उनका निर्माण किया जाएगा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, देख लीजिएगा एक बार। बूंदी में एक स्थान है रायथल, वहाँ पे इस बालिका छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। जबकि बात करें करौली में गुरुदय स्थान है, उसके बाद में कोटा की बात करें तो यहाँ पे लुहावद स्थान है, यहाँ पे बालिका छात्रावासों का निर्माण होगा, तो याद रखिएगा। और दोस्तों ये जो घोषणा की गई थी बालिका छात्रावासों की, तो ये की गई थी बजट 2023-24 में। तो दोस्तों ये जो आपकी बजट घोषणा थी इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, और हाल ही में 2.5 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे बूंदी, करौली, कोटा तीन जिलों में छात्रावास हैं उनका निर्माण किया जाएगा, तो याद रखिएगा। और तीन स्थान है वो भी याद रखिएगा इन जिलों में, रायथल, बूंदी में, करौली में गुर्दय और कोटा में लुहावद। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों एग्जाम में आने वाले प्रश्नों की। तो दोस्तों प्रश्न देखिएगा, 16 सितंबर को बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय का शिलान्यास कहाँ पे किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है कालवाड़ में। कालवाड़ कहाँ पे? तो जयपुर में, याद रखिएगा। कालवाड़ जयपुर में बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय का शिलान्यास किया गया है। किसके द्वारा? तो आप कहेंगे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा और आपके जो कृषि मंत्री हैं लालचंद कटारिया, उनके द्वारा, तो याद रखिएगा यहाँ पे। इसके अलावा जोबनेर और कालवाड़ में पशु एम्बुलेंस प्रारंभ की गई, ये भी याद रखिएगा। बात कर लेते हैं एक और क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है, 25वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों हमारी जो राजस्थान की संस्था है वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली विद्यापीठ, जिसकी स्थापना हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा की गई थी। तो राज्य के कितने रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास किया जाएगा? तो दोस्तों जल्दी से छाप लीजिएगा, 55 रेलवे स्टेशनों का इस योजना के तहत पुनर्विकास किया जाएगा। बात कर लेते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों ये अपने भारत ने, भारत ने दोस्तों श्रीलंका को फाइनल मैच में 10 विकेट से हरा के एशिया कप 2023 का खिताब जीत लिया। और दोस्तों ये भारत का 8वां एशिया कप खिताब है, तो याद रखिएगा। और दोस्तों कितनी विकेट से रहा? तो आप कहेंगे 10 विकेट से। बात कर लेते हैं दोस्तों एशिया कप, जिसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1984 में, और ये एशिया कप का 16वां संस्करण था, तो याद रखिएगा एशिया कप का 16वां संस्करण था, ये जीता भारत ने, भारत 8वीं बार चैंपियन बनी। और 1984 में एशिया कप की शुरुआत हुई थी, UAE में पहला एशिया कप हुआ था। और बात कर लेते हैं दोस्तों एग्जाम में आने वाले प्रश्नों की। तो यहाँ पे देखिएगा 30वां मथुरादास माथुर अवार्ड, तो दोस्तों मथुरादास माथुर अवार्ड 30वां दिया गया सीनियर वर्ग में मानव सुतार को। इसके अलावा बात करें जूनियर वर्ग में तो मुकुल चौधरी, जबकि सब जूनियर वर्ग में दिया गया पर्व जालानी को, तो याद रखिएगा 30वां मथुरादास माथुर अवार्ड। और बात करें दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे चुना गया? तो अनिकेत चौधरी, तो याद रखिएगा ये चारों नाम। बात कर लेते हैं तीसरा क्वेश्चन कि संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय अमृत पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है जयपुर के पंडित
गिरधारी महाराज। तो याद रखिएगा, संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के द्वारा, संगीत नाटक अकादमी राजस्थान के द्वारा नहीं, संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के द्वारा ये राष्ट्रीय अमृत पुरस्कार दिया गया हमारे जयपुर के पंडित गिरधारी महाराज को। और याद रखिएगा दोस्तों, जो हमारी राजस्थान की संगीत नाटक अकादमी है इसका मुख्यालय जोधपुर में है, तो याद रखिएगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं, जो ये आपकी संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली है इसकी स्थापना हुई थी 31 मई 1952, तो याद रखिएगा। और बात करें जो हाल ही में एग्जाम में छपने वाले पर्सन कौन से बन सकते हैं, तो दोस्तों हमारी जो राजस्थान की संगीत नाटक अकादमी है उसने अपना सर्वोच्च अकादमी रत्न पुरस्कार किसे दिए हैं, तो जल्दी से छापिएगा, भानु भारती जो कि उदयपुर के हैं, इनको हाल ही में दोस्तों जो हमारी राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है उसका सर्वोच्च अकादमी रत्न पुरस्कार दिया गया है, भानु भारती उदयपुर को, ठीक है, याद रखिएगा। ये एक निदेशक और वरिष्ठ निदेशक है, ठीक है, भानु भारती, इनको ये अवार्ड दिया गया था हमारी राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की तरफ से। और बात करें हाल ही में जो संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली है उसकी तरफ से जो राष्ट्रीय अमृत पुरस्कार दिया गया है वो हमारे पंडित गिरधारी महाराज जयपुर को दिया गया है। बात कर लेते हैं एक और क्वेश्चन की, 21-22 अगस्त 2023 को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का 9वां भारत क्षेत्र सम्मेलन राजस्थान में कहाँ पे हुआ, तो दोस्तों ये हुआ उदयपुर में, याद रखिएगा, उदयपुर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का 9वां संस्करण या 9वां जो आपका एडिशन है वो आयोजित किया गया, याद रखिएगा, उदयपुर में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चौथा क्वेश्चन कि साउथ एशियन यूथ गेम्स 2023 में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीते, तो दोस्तों बात कर लेते हैं साउथ एशियन यूथ गेम्स 2023 जिनका आयोजन हुआ 26 से 30 अगस्त 2023। अब आप कहेंगे ये तो पुराना क्वेश्चन है करंट का, लेकिन दोस्तों हाल ही में आपको बताइए जो एशिया कप है उसकी मेज़बानी की पाकिस्तान और श्रीलंका ने, तो दोस्तों श्रीलंका से जोड़ के क्वेश्चन पूछा जा सकता है और हमारे राजस्थान की दृष्टि से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा था इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। साउथ एशिया यूथ गेम्स 2023 26 से 30 अगस्त कहाँ पे हुए, तो कोलंबो श्रीलंका में। इसमें राजस्थान के 3 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता, याद रखिएगा, एक तो अंजू चौधरी, इन्होंने एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता। बात करते हैं भानु शेखावत, इन्होंने गोला फेंक में जीता, जबकि कमांडो हिम्मत सिंह है, उन्होंने जित कुंडो मार्शल आर्ट में ये गोल्ड मेडल जीता, तो याद रखिएगा। और तीनों ही दोस्तों जयपुर के हैं। अब दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि अंजू चौधरी का खेल कौन सा है, तो आप कहेंगे एथलेटिक्स, भानु शेखावत तो गोला फेंक, और हिम्मत सिंह ये दोस्तों कमांडो है, और इनका खेल है जित कुंडो मार्शल आर्ट। अभी मैं आपको दिखाऊंगा जित कुंडो खेल कौन सा है, ये मार्शल आर्ट है, जो आपकी मार्शल आर्ट है उसका ये हाइब्रिड रूप है, तो मैं आपको ये चित्र भी दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये देखिए कमांडो हिम्मत सिंह, अंजू चौधरी और भानु शेखावत ने श्रीलंका में जीता गोल्ड मेडल, और दोस्तों ये सारे जयपुर के हैं। जो हिम्मत सिंह है उनका संबंध है जित कुंडो से, जबकि बात करें आपके भानु शेखावत है इनका गोला फेंक से, अंजू चौधरी का संबंध है एथलेटिक्स से, तो याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ और याद रखिएगा बातें, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जो मंजू धोबी हैं इनका संबंध है आर्चरी से यानी तीरअंदाजी से, और दोस्तों इन्होंने जो राज्य स्तरीय आर्चरी प्रतियोगिता हुई थी ये जयपुर की है, मंजू धोबी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता आर्चरी खेल में, तो याद रखिएगा। बीकानेर में आयोजित हुई अगस्त में 27 से 29 अगस्त, तो इन्होंने जो आर्चरी प्रतियोगिता थी राज्य स्तरीय बीकानेर में हुई उसमें गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद में नाम आता है दर्शील का, दर्शील ने साधा कांस्य पदक पर निशाना, तो दोस्तों ये बीकानेर में आयोजित हुई सीनियर स्टेट जो आपकी आर्चरी प्रतियोगिता है उसमें भी जो ये दर्शील हैं इन्होंने कांस्य पदक जीता, ठीक है, ये माधोराजपुरा सीकर के हैं, तो याद रखिएगा इनका नाम भी, दर्शील ने कांस्य पदक जीता इस तीरंदाजी जो आपकी प्रतियोगिता थी उसमें, तो इतनी बातें याद रखिएगा। और बात कर लेते हैं ये खेल है आपका दोस्तों जित कुंडो ये खेल है, और दोस्तों इसके निर्माता हैं ब्रूस ली का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने ये खेल है इसको विकसित किया जित कुंडो को, यानी ये क्या है, आत्मरक्षा का खेल है, निहत्ते आत्मरक्षा का खेल है, इसे बोलते हैं जित कुंडो, और ये दोस्तों इस प्रकार का खेल है, तो याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हमारे जो कमांडो हिम्मत सिंह है इनका खेल किससे संबंध किस खेल से है, तो जित कुंडो, और इस जित कुंडो खेल के निर्माता कौन है, तो आप कहेंगे ब्रूस ली। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं एग्जाम में छपने वाले प्रश्नों की, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा हाल ही में किस नीति के प्रारूप के अनुमोदन को स्वीकृति प्रदान की गई है, तो आप कहेंगे ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी राजस्थान
2023। तो याद रखिएगा, जो आपकी राजस्थान की ग्रीन हाइड्रोजन नीति है उसको अनुमोदन दिया गया है, तो याद रखिएगा। बात कर लेते हैं, हाल ही में किस जिले के न्यायालय परिसर में मुख्यमंत्री ने पुलिस चौकी स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है? तो दोस्तों ये टोंक जिले के न्यायालय परिसर में। उसके बाद बात करते हैं, जो पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग है उसके द्वारा राजस्थान के 19 जिलों में कुल 44 आर्द्र भूमि वेटलैंड को अधिसूचित किया गया है, जिसमें सर्वाधिक वेटलैंड कौन से जिले में है? तो आप कहेंगे 12, और 12 में कितने हैं? तो 44 में से 12 ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, 12 में 12। तो याद रखिएगा 44 आर्द्र भूमि या वेटलैंडों में से सर्वाधिक किस जिले में है? तो 12 में। कितने हैं? 12। तो याद रखिएंगे सारे 19 जिले हैं। तो दोस्तों मैं आपको नाम बताऊंगा, कभी अलग से क्लास बना दूंगा, क्योंकि यहां से आपके आरएस प्री में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों पांचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा, 17 सितंबर को राज्यपाल द्वारा महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय के नवीन प्रशासनिक भवन एवं कुलपति सचिवालय का लोकार्पण किस जिले में किया गया? तो दोस्तों ये नवनिर्मित जिले डींग जिले के कुम्हेर में, ये दोस्तों आपका महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय के नवीन प्रशासनिक भवन एवं कुलपति सचिवालय का लोकार्पण किया गया। किसके द्वारा? तो हमारे जो राज्यपाल महोदय हैं कलराज मिश्र के द्वारा। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपको फोटो भी नज़र आ रही है, ये देखिए, ये आपको कलराज मिश्र जी दिख रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं, रिबन काट रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये रहा महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय डींग भरतपुर, ठीक है, डींग अब जिला बन गया, ये तो डींग में है, ठीक है, यहाँ पे आपको भरतपुर मिलेगा, तो याद रखिएगा। लेकिन ये बना है दोस्तों कुम्हेर में, क्योंकि कुम्हेर आपको बताइए, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए डींग का मैप आप देखिए, ये डींग है, नया जिला बने। डींग में कुल कितनी तहसीलें हैं? तो आप कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नौ तहसीलें हैं, उनमें जो कुम्हेर है यहाँ पे ये बना है। तो दोस्तों ये किस जिले में बना है? तो डींग, तो याद रखिएगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, डींग में कौन कौन सी तहसील है? तो डींग, कामा, जुरहरा, पहाड़ी, सीकरी, नगर, जनूथर, कुम्हेर, राहर। तो याद रखिएगा नौ तहसीलें हैं, एक बार देख लेना। उसके बाद बात करते हैं एग्जाम में छपने वाले प्रश्नों की, तो बात कर लेते हैं जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे डींग को। भोजन थाली मेला अब कहाँ पे लगता है? तो आप कहेंगे कामा, और कामा वर्तमान में डींग जिले की तहसील है। और बात करें सीकरी बांध, तो ये दोस्तों सीकरी में है, जो कि डींग जिले की तहसील है, तो ये भी सीकरी डींग जिले में आता है सीकरी बांध। उसके बाद बात कर लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में परिवहन विभाग द्वारा एमनेस्टी योजना 2023 की अवधि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो दोस्तों ये 30 सितंबर 2030 तक, ठीक है, फरवरी 2023 को ये परिवहन विभाग द्वारा एमनेस्टी योजना चलाई गई थी, और इसको अब तक अभी हाल ही में इसकी अवधि बढ़ाई गई है और 30 सितंबर 2023 तक कर दी गई है, ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद में छठा क्वेश्चन देखिएगा, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना जिसकी शुरुआत 2013 में की गई थी, हाल ही में कितने करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान बजट में किया गया है? तो दोस्तों 44 करोड़ रुपए, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो आपकी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना है जिसके तहत 40,000 जो यात्री हैं नागरिक है उनको क्या है यात्रा करवाई जाएगी, और दोस्तों बजट में 46 करोड़ रुपये हैं वो दिए गए थे, लेकिन दोस्तों अब वर्तमान में इसमें और जो रुपए हैं उनकी ज़रूरत को देखते हुए जो 44 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजटीय प्रावधान किया गया है, तो याद रखिएगा। अब टोटल वर्तमान में बात करें तो 100 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान इस योजना के तहत किया गया है। योजना की शुरुआत बात करें तो 2013 में, और वर्तमान में कितने जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनको यात्रा करवाई जा रही है? तो 40,000, तो याद रखिएगा। बात करते हैं एग्जाम में छपने वाले प्रश्नों की, तो दोस्तों बात कर लेते हैं जो SCU है, शंघाई सहयोग संगठन है, उसका 23वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो आप कहेंगे भारत में। और दोस्तों इस 23वें शिखर सम्मेलन में इस SCU का 9वां स्थायी देश कौन सा बना? तो आप कहेंगे ईरान। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, SCO जिसे हम बोलते हैं शंघाई सहयोग संगठन, जिसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में, बीजिंग जो कि चाइना की राजधानी है, और इसका 23वां शिखर सम्मेलन हमारे भारत में हुआ, तो आपके एग्जाम में आ सकता है। और इसी शिखर सम्मेलन में इस SCO का 9वां स्थायी सदस्य बना ईरान, तो याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विश्व की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा कहाँ पे लगी है? तो दोस्तों ये नई दिल्ली में 28 फीट ऊंची प्रतिमा लगी है नई दिल्ली, और जो आपका भारत मंडपम है वहाँ पे लगी है नई दिल्ली में, तो याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात आ जाती है दोस्तों,
आज का इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिएगा, 11.04 जीडीपी दर के साथ राजस्थान भारत में दूसरे स्थान पे है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, तो याद रखिएगा दोस्तों, 11.04 जीडीपी की दर के साथ राजस्थान भारत में दूसरे स्थान पे, तो इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा। बात कर लेते हैं विशेष बातों की, आज की विशेष बातें, तो बात कर लेते हैं मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 कौन बनी है। यहाँ पे दोस्तों आपको सभी मिलेंगे, मिस इंटरनेशनल इंडिया, मिसेज इंडिया, मिस राजस्थान, मिसेज राजस्थान, ठीक है, ये सारे मिलेंगे। तो बात कर लेते हैं मिस इंटरनेशनल इंडिया की, तो जल्दी से छाप लीजिएगा प्रवीणा अंजना, जो आपकी उदयपुर की प्रवीणा अंजना है वो बनी है मिस इंटरनेशनल इंडिया। उसके बाद बात करते हैं मिस राजस्थान, तो ये बनी है वैष्णवी शर्मा, जो किस जिले की है, तो जयपुर की, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं नाम नाम लिख रहा हूँ। तो मिस इंटरनेशनल इंडिया बनी है प्रवीणा अंजना, जो कि उदयपुर की है। मिस राजस्थान 2023 बनी है वैष्णवी शर्मा, जो कि जयपुर की है। और बात कर लेते हैं मिसेज राजस्थान, यहाँ पे दो शब्द मिल रहे हैं दोस्तों आपको, एक तो मिस राजस्थान और एक मिसेज राजस्थान। तो दोस्तों मिस राजस्थान तो वैष्णवी शर्मा है, और मिसेज राजस्थान की बात करें तो ऋचा कुलश्रेष्ठ, याद रखिएगा नाम, ऋचा कुलश्रेष्ठ, ठीक है। और बात कर लिए मिस यूनिवर्स, तो दोस्तों मिस यूनिवर्स बनी है आर बोनी गैब्रियल, जो कि यूएसए की है, आर बोनी गैब्रियल, ठीक है, ये बनी है मिस यूनिवर्स। तो याद रखिएगा आर बोनी गैब्रियल 71वें नंबर की क्या है, मिस यूनिवर्स है। उसके बाद बात कर लेते हैं मिस इंडिया अर्थ कौन बनी है, तो आप कहेंगे प्रियन सेन, जो कि सीकर की है, प्रियन सेन, वो मिस अर्थ इंडिया बनी है, ठीक है, तो याद रखिएगा, जो कि किस जिले की रहने वाली है, तो सीकर की, तो याद रखिएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो दोस्तों आज का सवाल है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत कब हुई, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत कब हुई। और दोस्तों आप सभी को पता है महिला एवं बाल जो विकास मंत्रालय है, उसकी विभाग है, उसकी एक फ्लैगशिप योजना है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, इसकी शुरुआत कब हुई कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल उत्कर्ष स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों कल की राजस्थान करंट अफेयर की क्लास में, धन्यवाद।